यार आज ना आज भाई होगा मौत का खेल। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ना अभी मैं देखो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं जैसे ही अभी अपने घर से बाहर जाऊँगा ना भाई, तो मेरे स्विमिंग पूल में बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे। अब यार इतने सारे एनिमल्स आ जाएंगे ना कि मैं क्या बताऊँ भाई। ऐसा मेरे साथ एक दिन नहीं बल्कि डेली ऐसा हो रहा है। मतलब मेरे स्विमिंग पूल को ये लोग यार गंदा कर देते हैं, क्योंकि देखो अब इधर आसपास पूरे इंडियन बाइक ड्राइविंग सिटी में पानी तो है नहीं कहीं पे। अब पानी की जब कमी पड़ती है ना तो सारे एनिमल्स मेरे घर पे आ जाते हैं। अब जब मैं घर पे रहता हूँ तो उन सबको मैं मार के भगा देता हूँ, बट भाई जब मैं घर पे नहीं रहता तो वो लोग आकर मेरे स्विमिंग पूल में पानी तो पीते ही हैं। प्लस भाई वो लोग ना इसको पूरी तरह से गंदा कर देते हैं और इसमें घुस जाते हैं भाई। घुस करके वो लोग आराम से कूल कूल ठंडाई भी लेते रहते हैं, मतलब कूल फील करते हैं। यहाँ पे तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मैंने चारों तरफ से ढूंढ लिया कि कोई यहाँ पर आसपास तो छिपा नहीं है। बाकी अभी मैं तुम्हें एक जलवा दिखाने वाला हूँ। जैसे ही मैं बाहर जा कर के आऊँगा ना भाई 2-3 मिनट बाद, फिर देखना तुम इतने सारे एनिमल्स आ जाएंगे कि क्या ही बताऊँ। खैर गाड़ी मैंने यार गलत दिशा में आई थिंक मोड़ ली। खैर छोड़ो यार, क्या ही करना, आखिरकार हमें तो बस 2-3 मिनट वेट ही करनी है। तो किसी तरह से इधर उधर टाइम पास करते हैं, क्योंकि मेरे को चल करके देखनी है ना कि वो लोग भाई कितने जल्दी आ जाते हैं और कितना ज़्यादा पागलपंती कर देते हैं भाई। खैर मेरे को अभी एक चीज़ दिखी थी यहाँ पे, मेरे को लगा ना कि कोई बुढ़ा आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए मैं आया। बट भाई ये वो वाला था, तो मतलब बुढ़ा आदमी नहीं था। तो अभी मैं चलता हूँ यार। देखो ये जो बनाना भाई, ये मेरे को अजीब सा थोड़ा लग रहा है कि ये कब बना भाई, ये आखिर बना भी तो ये है क्या? इधर से रास्ता है क्या कोई? नहीं यार इधर से तो पैक है। मेरे को लग रहा था कि कोई रास्ता है भाई, मैं क्या बताऊँ, मेरे को लग रहा था कि कोई रास्ता है। खैर इधर देखते गाइस, क्या पता ये कोई रास्ता होगा। वैसे भी यार हम लोग ना पूरा टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि अभी जल करके ना देखेंगे कि भाई एनिमल कितने ज़्यादा आतंक मचाते हैं मेरे स्विमिंग पूल में, तो मैं वही देखना चाह रहा था। तो अभी वैसे भी अभी हमने टाइम पास कर ही लिया, थोड़ा बहुत टाइम वेट और करना होगा। तो यार चलो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अभी एक जो सिटी है ना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मतलब तुम देखोगे ना भाई तो तुम्हें लगेगा यार ये तो वाव, मतलब वाव बहुत खतरनाक सिटी है। तो चलो दिखाता हूँ मैं तुमको। और क्या बताऊँ मैं भाई, मतलब एनिमल लोग मेरे को इतना ज़्यादा पागल कर दिए हैं ना कि बस मेरा दिल करता है कि उन सबको ख़त्म ही कर दो भाई, पूरे एनिमल्स को ख़त्म कर दो। बट मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता ना। अब देखो मेरे घर पे जितने लोग आएंगे भाई मैं तो उनको मारूंगा। देखो मैं सबसे पहले उनको प्रेम से निकालूंगा, और अगर नहीं निकले तो फिर मैं मारूंगा भाई। ये क्या, ये ट्री था, मेरे को लगा कि गोरिल्ला यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी ये देखो गाइस, यही वाली सिटी थी जो मैं बोल रहा था तुम्हें। और ये देखो भाई क्या खतरनाक सिटी है गाइस, यहाँ पर पेड़ वगैरह लगा दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रही है सिटी। बाकी आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। और अभी चल करके देखते हैं अपन लोग। अब इधर से मैं तुमको चारों तरफ से दिखाने की ट्राई करता हूँ। और वैसे भी अभी अपन लोग गाड़ी लेकर के आए हैं, तो इस सिटी में घूमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी हमें चल करके यार स्विमिंग पूल में देखना ही है, क्योंकि वो लोग आतंक तो मचा चुके होंगे अब तक। खैर अब यहाँ तक आ चुका हूँ, तो थोड़ा तुम्हें और भी दिखा देता हूँ, अंदर की भी सीन्स दिखा देता हूँ तुम्हें कि मतलब है कैसा। अच्छा है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देख रहे हो पंखे वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी जिस हिसाब से गर्मी है ना भाई, उस हिसाब से सिस्टम तो नहीं है, बट देखना पड़ेगा भाई। चलो दिखा देता हूँ मैं तुमको, अन्यथा तुम्हें लगेगा कि ये चूतिया बना दिया, यहाँ तक आया था तो दिखा देना चाहिए था। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचें होती हैं गाइस, तो चलो मैं दिखाता हूँ। खैर रास्ते में ये पेड़ पड़ गया भाई। पेड़ तो वैसे भी हम लोग धक्का मार देते थे तो टूट जाता था, बट ये वाला जो पेड़ है ना भाई बहुत नीचे तक घुसा हुआ है। आई नो ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। ये क्या भाई, इस पेड़ को हम लोग नहीं तोड़ सकते क्या? अबे यार रुको, काफ़ी ज़्यादा पीछे लेकर के आ चुका भाई, नीचे ना गिर जाऊँ यार मैं। खैर जाली तो थी, बट मेरे को लगा मैं नीचे ना गिर जाऊँ। स्लो स्पीड बनाते हैं यार, गियर वगैरह डालने का सिस्टम देता तो आई थिंक हम लोग तोड़ भी सकते थे। बट यार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, इसको नहीं तोड़ सकते हम लोग, क्योंकि पेड़ जड़ से उखड़ता था भाई, पेड़ जड़ से उखड़ता था। बट यहाँ पर तो उसकी जड़ तो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उखड़ेगा कैसे, ज़्यादा सी बात है, नहीं हो सकता गाइस। और हाँ तो चलो पूरी राउंडिंग मरवा देता हूँ मैं। बाकी यार चलो अब चलते हैं भाई, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। खैर ये देख लो ये क्या बना है भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है भाई, जिस किसी ने भी बनाया है गाइस खैर अच्छा ही बनाया होगा। बाकी चलो यार अब चलते हैं भाई, पक्का एनिमल्स आ गए होंगे और मैंने तुम्हें ये वाली सिटी भी एक्सप्लोर करवा ही दिया। तो ऑलराइट गाइस चलो घर पे चलते हैं। और भाई तुम देखना भी, घर पहुँचते पहुँचते ना इतने सारे एनिमल्स आ चुके होंगे मेरे स्विमिंग पूल में कि मैं क्या बताऊँ यार, क्या बताऊं मैं। बट यार मैं क्या है? मैं इसी पुरानी गाड़ी को खटारे को बार बार चलाता रहूंगा। अब मेरे सामने से ये जो गाड़ी गुजर रही है तो मैं
इसको लेकर के चलूंगा, रुको पहले इसको रोकते हैं, बंदा अकेले है, पुलिस वगैरह कोई है नहीं, तो चलो पहले छीनते हैं गाड़ी को। भाई मैं खटारा चलाऊंगा क्या जीवन भर, मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, चलो इसको छीनते। भाई सुपर कार अपन चलाएगा, अबे निकल भाई, ये देखो ये चलाएगा सुपर कार, और मैं नहीं चला सकता क्या भाई? क्या मतलब कि मैं उधर मतलब वैसे ही हूँ तो क्या मैं नहीं चला सकता? चला सकता हूँ भाई, इसको पहले ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, नहीं तो जाएगा फिर थाने में, रिपोर्ट वगैरह लिखवा देगा तो मेरा, समझ रहे हो ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। खैर छोड़ो, काम तमाम हो गया उसका, बाकी चलते हैं हम लोग घर पे। भाई घर पे जाने के लिए तो अपन आया था यार। अब देखो एनिमल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए होंगे भाई, बहुत ज़्यादा एनिमल्स इकट्ठे हो गए होंगे, वो लोग ना मतलब पूरी तरह से बिल्कुल तबाही तबाही कर देते। भाई ये क्या यार, क्या ये क्या हुआ भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। खैर छोड़ो, अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपने मतलब घर के गेट के पास, और देखो यार आते ही पेड़ टूट गया, ये वाला पेड़ तो टूट गया, वहाँ पर टूट नहीं रहा था यार। अभी तो हमें पैदल चलना चाहिए क्या? नहीं भाई पैदल नहीं चलेंगे, वो अलग बात है कि गाड़ी हम लोग ले चल के, वो देखो भाई दिख गए ना तुमको एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स आ गए भाई, समझो तुम बात को। देखो गाड़ी यहाँ पर खड़ी करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको बनवाए हुए हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा दिन हो गया, बाकी गाड़ी मैंने कभी नहीं खड़ी करी थी, तो मैंने कहा आज इसको ही खड़ी कर देते हैं, क्योंकि मैंने चोरी करके लाई है। तो देखो ये एक शेर भी आ गया भाई, ये मेरे को काट नहीं रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि इनको लगता है ना कि भाई इसके स्विमिंग पूल में हम लोग पानी भी पी रहे हैं, बट शेर की तरह पानी पी करके निकल जाना चाहिए ना, बट इन लोगों को देखो भाई क्या कर रही है लोग, मतलब यार पानी तो पी लिए, चलो पी लिए, बट ये लोग देखो ठंडा ही भी ले रहे हैं, अच्छे से बिल्कुल नहा रहे भाई उसमें। अब देखो मेरा मूड ख़राब होगा या नहीं होगा तुम बताओ? अब तुम्हारे स्विमिंग पूल में कोई इस तरीके से नहाएगा तो तुम्हारा मूड नहीं ख़राब होगा? ये भाई निकल जा, देखो गोरिल्ला आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को खा जाएगा, मुंह तो बंद करके आ जाता, भाग गया वो अलग बात है भाई, बट ये बहुत ख़तरनाक है भाई गोरिल्ला, ये बिना किसी मतलब मारे ही मेरे को मार भी सकता है भाई, ये बहुत ख़तरनाक है, इसको मेरे को इससे बहुत ज़्यादा डर है भाई। खैर देखते भाई मैं इनके ऊपर तैरूंगा क्या, ये लोग अगर मेरे को काटेंगे ना तो मैं भाई इनको बहुत मारूंगा मैं, बट ये लोग काट तो नहीं रहे, मतलब नहीं काटेंगे आई थिंक, बट भाई ये लोग काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते भाई, मैं इनके ऊपर तैर रहा हूँ कैसे यार, ये क्या जिराफ वगैरह सारी चीज़ें हैं, इनको मेरे से डरना चाहिए और मुझको इनसे डरना चाहिए, बट ना तो मैंने उनसे डरा ना तो वो लोग मेरे से डरे। खैर भाई क्या कर सकते हैं अपन लोग, अब गन निकाल ले भाई, मारे इन सबको, क्योंकि इन लोग मेरे से नहीं निकलेंगे भाई, इनको देख लिया मेरे को तो कम से कम निकलना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो डर होना चाहिए, बट ये लोग डर ही नहीं रहे भाई, अब तो मारूंगा इन सबको मैं, इन सबको मार दूं क्या गाइस, बट यार मारूं क्यों मैं, अगर ये लोग आराम से निकल जाते तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर नहीं निकलते तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर स्क्रीनशॉट ले, अभी भाई स्क्रीनशॉट लेते ही ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ये पक्का गोरिल्ला पीछे से मारा होगा भाई, मैंने फायर भी नहीं करा यार, देख रहे हो तुम गोरिल्ले ने मार दिया भाई, अब तो पक्का मारना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यार मैंने फायर भी नहीं करी और मार के देखो मेरे को भाग रहा है, रुको अभी बताता हूँ भाई, अनलिमिटेड हेल्थ का चीट कोड लगाता हूँ भाई, मेरे को लगा कि अब तो गेम गई भाई, यहीं पे फिनिश हो जाएगी। खैर गाइस अनलिमिटेड हेल्थ का चीट कोड लगा लियो, अब भाई इसको मैं तोप से उड़ाऊंगा सीधा, नहीं तो गोली इसके ऊपर कहाँ शूट करती है, ले ले बेटा मर मर, अब समझ में आया ना तेरे को भाई, देख रहे हो तुम गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ले कर दिया भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था गाइस। खैर अपन इनको मार दिया, अब इन सारे एनिमल्स को भी मारेगा भाई, कौन कौन मेरे को उठा करके फेंक दे, अभी सारे लोग एक ही बार में अटैक कर देंगे तो मैं क्या करूँगा, गोरिल्ले को तो मैंने टपका दिया, खैर इन्होंने फेंका भाई मैंने बच गया, अनलिमिटेड हेल्थ का चीट कोड भी नहीं था, चल गायब हो जा निकल ले, एक गोली और खा गया, चलो भाई गायब कर दिया मैंने इसको, और वैसे भी यहाँ पर रहता तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा देता, मारेंगे सबको मारेंगे भाई, कितने भी मासूमियत दिखाओ तुम लोग मैं सबको मारूंगा, अब ये लोग एक बार देखो पागलपंती कर दी हो तो भाई मैं बख्शने वाला हूँ नहीं किसी को, अब मारूंगा मैं सबको मारूंगा, कुछ भी कर लो, जेब्रा देख लो भाई, वाह जेब्रे तो आखिर वैसे भी बहुत ज़्यादा सीधे स्वभाव के होते हैं, बट अपन के निगाह में नहीं भाई, अपन सबको मारेगा, क्योंकि इन लोगों ने अभी तो आकर के स्विमिंग पूल में तबाही मचा दिए थे, ये कर दिए थे वो कर दिए थे, भाई क्या ये मतलब क्या है ये, इन सबको मैं मारूंगा भाई, इनको मैं अच्छे नहीं समझ सकता भाई, अगर मैं इनको अच्छा समझाना तो ये लोग मेरे को ख़राब बना देंगे, इस बात को समझनी पड़ेगी मेरे को। अभी देखो मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने केवल गन ही तानी थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं मारूं इन सबको, बट गोरिल्ले ने पीछे से फेंक दिया मेरे को उठा करके भाई, इसीलिए मैं बोलता था ना कि अब पहले ही बोल दिया था ना कि अब होगा मौत का खेल, मौत का खेल बहुत खतरनाक हुआ, ये लोग मेरे को पता था कि ये लोग मेरे स्विमिंग पूल में मेरे से दबंगई दिखाएगा भाई, चल जा हट, इन सबको मार दिया,
और भी एनिमल्स उसमें होंगे, देखो ये एक जेबरा उधर पड़ा है, और भी एनिमल्स होंगे भाई, मेरे को स्टिकी बॉम्ब फेंकना पड़ेगा पूरी तरह से, बिना स्टिकी बॉम्ब को इसमें फोड़े भाई ये स्वच्छ नहीं होगा, ये लोग अपना जहर भी छोड़ दिए होंगे इसी में, तो जल्दी जल्दी से स्टिकी बॉम्ब फेंकते भाई। देखो ये अभी भी यहीं पर पड़ा है, एक दो स्टिकी बॉम्ब जब इसके ऊपर भी बोलेगा ना तब जा करके ये धुआं बन के उड़ जाएगा। बाकी अभी अपन स्टिकी बॉम्ब फेंकते जल्दी जल्दी से, क्योंकि भाई अभी इसमें कुछ ना कोई तो एनिमल्स बचा ही होगा भाई, कितना भी कुछ कर लो। देखो ये बे यार गिर गया मैं, यहाँ पे एक क्रोकोडाइल्स है देख रहे हो तुम मेरे फर्श के नीचे भाई, ये लोग कहीं भी टहल रहे हैं मेरे को काट लेंगे तो क्या होगा मेरा। इसके ऊपर फेंकते भाई, कहाँ गया, अबे पहुँच ही नहीं रहा स्टिकी बॉम्ब मेरा उसके पास, अबे घर में घुसा जा रहा है भाई वो, अबे गया कहाँ, घर के अंदर गया क्या भाई, ये दिख भी नहीं रहा, अभी मेरे को काट ना ले, ये फर्श के अंदर कैसे चला गया यार, क्या बताऊँ मैं इसको। खैर ये रहा जेबरा, जेबरे को मारते भाई, ये भागे जा रहा है, स्टिकी बॉम्ब नहीं लगवा रहा है, इसको गन से ही मारना पड़ेगा क्या। रुको भाई पहले इसको मारता हूँ, तो थोड़ा निकल भी नहीं रहा, घुस जाते हैं ये लोग, जब निकल नहीं पाते तो घुसते क्यों हो इसमें भाई, क्या बताऊँ मैं इन सबको। चलो गाइस फोन निकालते हैं, स्टिकी बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं भाई, बहुत हो गया अब क्या ब्लास्ट करेंगे। देखो भाई अभी 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 ये क्रोकोडाइल्स की आवाज़ आई ना, मरी वो भाई, मतलब क्रोकोडाइल्स थी यार तो मैंने मार दिया गाइस, मचा गया। बाकी भाई एक बार तैर करके पूरा देख लेते हैं, ये रहा जेबरा मरा है, हालांकि ये कुछ देर में गायब हो जाएगा, खैर गायब भी हो गया। और अपना पानी देखो काफ़ी ज़्यादा अजीब कलर नहीं हो गया भाई इसका, पहले से बहुत ज़्यादा अजीब कलर हो गया, मैं क्या बताऊँ। खैर गाइस यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बस यही कह सकता हूँ तुमसे। बाकी क्या कहूँ यार, सारे एनिमल्स को तो मार दिया, अब क्या ही करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।